हाय फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सुपर टेस्टी और इजी रवा उत्तपम की रेसिपी देखेंगे। ये जो ओरिजिनल उत्तपम होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये बनकर तैयार होता है। तो इस वीडियो में हम रवा उत्तपम के साथ साथ पीनट चटनी भी देखेंगे। अगर आपके पास रवा उत्तपम के साथ चटनी बनाने के लिए नारियल अवेलेबल नहीं है तो इस चटनी को बनाकर आप कोई भी साउथ इंडियन डिश एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो उत्तपम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मेजरमेंट कप से हाफ कप बारीक सूजी ली है। उसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। पहले इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और बाद में हम इसमें ताक या फिर छाछ ऐड करेंगे। तो हमें यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी देखकर छाछ ऐड करना है। आप छाछ की जगह दही भी ऐड कर सकते हो, दोनों का इफेक्ट सेम आता है। तो दही आपको लगेगा 2 बड़े चम्मच। थोड़ा सा छाछ में और ऐड करूँगी। अगर आप दही यूज कर रहे हैं तो आपको उसके साथ साथ पानी भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसे चाहिए। अब इसे हमें 30 मिनट के लिए साइड में रख देना है। तब तक हम पीनट चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर जार में 4 टेबल स्पून रोस्टेड पीनट्स लिए हैं, 3 लहसुन की कली, थोड़ा सा अदरक लिया है क्रश करके, 2-3 हरी मिर्च ली है, स्वादानुसार नमक। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून रोस्टेड चना दाल, 1/2 टेबल स्पून चीनी, 1/2 टीस्पून जीरा और 2 से 3 टेबल स्पून दही ऐड करना है। दही ऐड करने से इस चटनी की टेस्ट और भी बढ़िया आती है। तो पहले मैंने यहाँ पे बिना पानी के ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसे फिर से ग्राइंड कर लूँगी। चटनी ग्राइंड हो चुकी है, अब उसे हमें तड़का देना है। तो तड़का देने के लिए तड़का पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लिया है, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा। दोनों चटक जाने के बाद उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, फिर थोड़ा सा हमें धनिया पत्ता भी ऐड करना है। इसे फटाफट हमें मिक्स कर लेना है। तो ये तड़का हम अब चटनी के ऊपर ऐड कर देते हैं। तड़का ऐड करने के बाद तुरंत हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी टेस्टी और इजी पीनट की चटनी तैयार है। अब इसे फ्रिज में रख देते हैं। तो 30 मिनट के बाद इसे ओपन कर लेते हैं। रवा हमारा अच्छे से फूल चुका है, तो उसे और फुलाने के लिए हम 1/2 चम्मच खाने का सोडा ऐड करेंगे और इसे विस्कर की हेल्प से एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये देखिए, हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, रिबन जैसी। इसे ना ज़्यादा थिक करना है और ना ज़्यादा पतला। तो अब हम उत्तपम बनाने के लिए एक पैन रख देते हैं गैस पर। पैन गर्म होने के बाद उस पर ऐड करेंगे ऑयल और ऑयल को टिश्यू पेपर से वाइप आउट कर लेंगे। ऐसा करने से हमारे उत्तपम का जो बेस है वो इक्वल आता है। अब पैन के ऊपर थोड़ा पानी स्प्रिंकल करेंगे। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर हाई रखी है। अब हमें पैन के मिडल में इस बैटर को ऐड करना है। जैसा हम डोसा बनाते हैं उसी तरीके से हमें उत्तपम बनाना है। तो अब इसे हल्के हाथों से स्प्रेड कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे उत्तपम की साइज़ छोटी रखी है। आप अपने हिसाब से उत्तपम की साइज़ रख सकते हैं। मैं इस पर और बैटर ऐड करूँगी क्योंकि उत्तपम थोड़े फ्लफी होते हैं। अब हमें इस पर ऐड करना है ये बारीक कटा हुआ प्याज। आप अपने फेवरेट वेजिटेबल्स को ऐड करके उत्तपम को कस्टमाइज कर सकते हो। फिर मैं ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ टमाटो। तो अब हमें गैस की फ्लेम रिड्यूस करके मीडियम रखनी है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, फ्रेश हरा धनिया और ऊपर से लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। अब हमें ऊपर से ऐड करना है ये बटर। तो बटर से उत्तपम की टेस्ट और भी बढ़ जाती है, तो आप भी इसे ज़रूर ऐड करिए। इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए नीचे से सेक लेना है। फिर हमें स्पैचुला की हेल्प से उसे पलटी कर देना है। ये देखिए, नीचे से उत्तपम को कितना बढ़िया कलर आया है। अब हमें इसे हल्के से ऊपर से प्रेस कर लेना है और थोड़ा साइड से ऑयल ऐड करेंगे। इसे नीचे से भी हमें 1 या फिर 1.5 मिनट के लिए ही सेकना है। तो अब वापस से इसे पलटी कर लेंगे। तो गाइज, ये देखिए हमारा सुपर टेम्पटिंग रवा उत्तपम रेडी हो चुका है। तो इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो उसी प्रोसेस से मैं और एक उत्तपम आपको बना के दिखाती हूँ।
आप इसके ऊपर शिमला मिर्च, गाजर या फिर बीटरूट भी ऐड कर सकते हो। इससे ये उत्तपम और भी कलरफुल लगेगा और उसके साथ ये हेल्दी भी बनेगा। तो ये सेकेंड वाला उत्तपम भी हमारा रेडी हो चुका है। इसे अब सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। और उत्तपम के साथ साथ हमें पीनट चटनी भी सर्व कर लेना है। ये उत्तपम बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। इसे खाने के बाद कोई बता भी नहीं सकता कि ये सूजी से बना है और ये बहुत जल्दी भी बनकर तैयार होता है। तो आप इसे एक बार जरूर घर पर बनाइए। और अगर आपको मेरी ये आज की रवा उत्तपम की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।